जैन साथी निशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, आज शुरू करने वाले हम लोग करंट अफेयर की एक बेहतरीन क्लास। उससे पहले आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि एक बार आपको क्लास को शेयर कर दें। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज के सेशन में क्या प्रश्न है। और दोस्तों, मैं एक अपडेट आपको और दे दूं, अब पेट का भी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है निष्ठा इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप देखेंगे, हिंदी की क्लास चल रही है और रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट होगी, स्पेशली पेट के लिए और बाकी एग्जाम के लिए। और टीजीटी भी हमारे चैनल पे, टीजीटी पीजीटी मैथ और फिजिक्स की क्लास चल रही है, रेगुलर चल रही है साथियों, तो आप लोग जरूर देखें, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। चलिए आज बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। एशियन गेम 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम कौन सा मेडल जीती है? चाइना के हांगझू शहर में साथियों, चाइना के चीन के हांगझू शहर में एशियन गेम खेल 2022 का आयोजन संपन्न हो गया है। इसमें साथियों, भारत ने कुल 107 मेडल्स जीते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत किसी गेम में, एथलेटिक्स गेम में यानी एशियन गेम में, पहली बार एशियन गेम में शतक पार किया, मतलब 100 से ज्यादा मेडल भारत ने जीत पाया है। इसमें आपको दिखेगा टोटल 107 मेडल, जिसमें से 28 गोल्ड है भारत के पास का, 28 आपको गोल्ड दिखेगा और 38 सिल्वर दिखेगा आपको, और ब्रॉन्ज की बात करें या रजत कांस की बात करें तो 41 दिखेगा, ठीक है। तो रजत पदक दोस्तों आपको 41 दिखेगा, ठीक है, सॉरी कांस्य पदक आपको 41 दिखेगा, रजत पदक 38 दिखेगा और 28 गोल्ड दिखेगा। तो याद रखिएगा इसको, बेसिकली आपको गोल्ड याद रखना है और गोल्ड में कुछ प्लेयरों के महत्वपूर्ण है जो याद रखना पड़ेगा, जैसे जेवलिंग में अनुरानी, ठीक है, अन्नू याद रखना है आपको, ठीक है। इन्होंने गोल्ड में भारत के लिए पहली बार गोल्ड दोस्तों जीत लिया है, ठीक, जेवलिंग थ्रो में। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता है। उसके बाद क्रिकेट शामिल हुआ था तो क्रिकेट का दोनों प्रारूप यानी वुमेन्स और मेन्स दोनों में भारत ने गोल्ड जीता है। हालांकि भारत इसको पहली बार खेलने गया था तो पहली बार भारत ने गोल्ड जीता है। हालांकि क्रिकेट T20 फॉर्मेट में हुआ था और इसके पहले दो बार ये हो चुका था, जिसमें दोनों बार पाकिस्तान विजेता रही है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। और आपको स्क्वैश डबल मिक्स्ड याद रखना है, स्क्वैश डबल मिक्स्ड याद रखना है दोस्तों। यह भी गेम पहली बार एशियन गेम में शामिल किया गया था और भारत की मिश्रित युगल जोड़ी ने इसमें भी गोल्ड जीता, जिसमें दीपिका पल्लिकल और हरमिंदर सिंह थे। तो इतनी बात आपको इससे याद रखना है। इसका आयोजन स्थल याद रखना है, 19वां संस्करण था, यह भी याद रखना है आपको, 19वां संस्करण था यह भी याद रखना है। और इसका पिछला संस्करण कहाँ हुआ था, तो हुआ था ये इंडोनेशिया में, यह भी बात आपको याद रखनी है। इससे बाहर प्रश्न ज्यादा बनेगा नहीं, तो ये आपको याद रखेगा। बाकी हम पे एक पूरी गोल्ड मेडल की वीडियो आप बना देंगे, अब देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 साथियों किसे दिया गया? उससे पहले हम लोग नोबेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट की खोज किए थे, जो सबसे खतरनाक जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की, उन्हीं के वसीयत पे ये पूरा पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार जो ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1901 में दिया गया था। तो नॉर्वेजियन स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह दिया जाता है, यानी कि आपको याद रखना क्या कि स्वीडिश एकेडमी द्वारा इसको दिया जाता है, याद कर रखना, स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह दिया जाता है, स्वीडिश एकेडमी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार मिला था, यह है नरगिस मोहम्मदी दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार मिला गया था। इन्होंने ईरान में महिलाओं के लिए
उनके सुरक्षा के लिए काम किया था, इसलिए इनको 5 साल का जेल भी है। ठीक है, तो ये काफी दिनों से जेल में भी हैं और इन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी आपको भूलना नहीं, नोबेल का शांति पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली तरफ, बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है? किस देश से यूरेनियम प्राप्त हुआ है बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा साथ में, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा रूस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा यह दिया गया। ये 2400, याद रखिएगा, 2400 मेगावाट की ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए यह सहयोग किया गया। ठीक है, इसके साथ बांग्लादेश और रूस के साथ, और भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध देख लेते हैं। अभी हाल ही में क्या स्टार्ट हुआ है? संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। इसमें आपको एक चीज और साथ ही याद रखना होगा, ये क्या है? ये मिलिट्री युद्धाभ्यास है। ठीक, संप्रीति मिलिट्री युद्धाभ्यास है, यह 11वां संस्करण है, यह 11वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये मेघालय, ठीक है, भारत के मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। 10वां संस्करण अगर आप संप्रीति का आपसे पूछ लेता है, 10वां संस्करण कहाँ हुआ था, तो आपको आंसर बता देना दोस्तों कि बांग्लादेश में। ठीक है, 10वां संस्करण आपको बता देना है बांग्लादेश में। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया रूस। ठीक है, चलिए, सातवीं भारतीय यूएस साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? सातवीं भारत ईयू मतलब यूरोपीय यूनियन वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? पेरिस में, लंदन में, ब्रसेल्स में या टोक्यो में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सातवीं है, क्रम भी आपको याद रखना है कि सातवीं वार्ता है ये। ठीक है, सातवीं भारत ईयू वार्ता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्रम को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है छठवीं भी आपसे पूछ ले, तो इसलिए क्रम को आप याद रखिए। तो सही आंसर क्या हो गया? ब्रुसेल्स हो गया। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यह एक बीमा कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? इसका नई दिल्ली में मिलेगा, और जो बनाया गया रामा स्वामी एन को बनाया गया। किसको दोस्तों? रामा स्वामी एन को बनाया गया है, रामा स्वामी एन को बनाया गया है। यह भी बात आपको याद रखनी होगी, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे इसके साथ आगे हम लोग साथियों। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, ये इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली नहीं, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, स्थापना की बात करें तो ये दोस्तों 1972 में की थी। आइए बढ़ते हैं आगे, हाल ही में किस देश के ब्यूरोस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है? ठीक है दोस्तों, तो ये परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है। ठीक है, परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है, इसको रसिया ने टेस्ट किया हाल ही में किया। हालांकि इसकी टेस्टिंग की घोषणा रसिया ने 2018 में ही कर दिया था साथियों, कब कर दिया था? 2018 में ही कर दिया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग अब ये परमाणु सक्षम मिसाइल है, और जिस तरीके से युद्ध का
सिलसिला जारी हो चुका है, उसमें कहीं इसका रसिया को उपयोग न करना पड़े, क्योंकि रसिया और देखेंगे यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है दोस्तों वो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। और यूक्रेन को आप जान ही रहेंगे कि बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है, इसलिए रूस का ये युद्ध बहुत लंबा खींच चुका है। तो इसमें आपका सही आंसर रसिया हो जाएगा, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए, वे जिगर के छल्लों देखिएगा, याक चुरपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो मेरे जिगर छल्लों ये देखिए, याक चुरपी किस राज्य से संबंधित है। याक चुरपी क्या है, एक याक पशु होता है, ठीक है, उसके दूध से जैसे पनीर, गाय के दूध से पनीर बनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि पनीर को एक तरह से चुरपी या छुरपी कहा जाता है, ठीक है। तो दूध से बना उत्पाद है ये याक चुरपी, क्या है, याक के दूध से, आप कह सकते हैं याक के दूध से, दूध से बना उत्पाद है प्यारे साथियों, ठीक है। क्या है, उत्पाद है, जैसे पनीर होता है उसी तरह का यह भी होता है। इसको अभी हाल ही में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, तो ये किस राज्य का, अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा जीआई टैग के बारे में मैं हर बार आपसे चर्चा करता हूं कि जब भी कोई प्रश्न जीआई टैग से आए तो उसके सारे बेसिक चीज आपको याद हो जाए। उससे पहले आपको एक प्रश्न यह बताना होगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को, यानी किस उत्पाद को जीआई टैग मिला हो, वह एक पेंटिंग है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपनी पिछली क्लास में इसको बताए थे। जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्या कि जीआई टैग का पंजीकरण जो कार्यालय है, पंजीकरण कार्यालय है, कार्यालय है कहाँ है, चेन्नई में है ना, है कि नहीं है, है चेन्नई में है साथियों, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी, पंजीकरण कार्यालय कहाँ, चेन्नई में है। एक बार अगर किसी उत्पाद को मिल जाता है तो यह 10 वर्षों तक मान्य रहता है, ठीक है, 10 वर्षों के बाद उसका दोबारा पंजीकरण कराना पड़ता है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो बताना होगा किस राज्य के उत्पादों को मिला है, सबसे पहले तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु सबसे ज्यादा जो उत्पाद है जीआई टैग प्राप्त करने वाले, जीआई टैग प्राप्त करने वाले उसमें तमिलनाडु नंबर एक पे है, कर्नाटक दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन साथियों हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से किया है, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कौन किया है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे दोस्तों, देखेंगे आगे क्या कह रहा है प्रश्न। भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड स्कीम के लिए समझौता किया है, भारत और किस देश ने घरेलू कार्ड के स्कीम के लिए समझौता किया है, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, ठीक। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा यूएई, क्या, यूएई, ठीक है, यूएई की राजधानी दुबई है दोस्तों, ठीक। तो इसको याद रखना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घरेलू कार्ड स्कीम। ज्यादातर मैं फोकस करता हूँ कि आपको करंट के क्लास में करंट ही बताया जाए, बाकी जीएस वगैरह तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जीके की क्लास तो आप पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए करंट अफेयर की, उसके बाद भी आपको बहुत ढेर सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, ठीक है। तो एक घंटे डेढ़ घंटे अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बाकी उसको कब रिवाइज करेंगे, कब बाकी चीजें पढ़ेंगे, तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कोशिश आप तक पहुंचाने की करता हूं कि आप जो आपके एग्जाम में आए। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। देखिएगा एक ये दोस्तों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, यह एक तरह से आप समझिए उग्रवादी संगठन भी है, तो इसका
कितने वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंध कर दिया है, 4 साल, 5 साल या 3 साल या 2 साल। तो इसको कर दिया है भारत सरकार ने दोस्तों 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। यह भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। हाल ही में माकपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अनंथालवत्तम आनंदम का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनकी आयु दोस्तों 86 वर्ष थी। हाल ही में किसको मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला? अच्छा, साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हो जाती है दोस्तों, इसको याद रखना। कब? 1954 में साहित्य पुरस्कार की, 1954 में साहित्य पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है। और इसको जो भारत की 8वीं अनुसूची है, ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, उसमें दी गई 22 भाषाओं जो है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, आप जानते हैं। इसी 22 भाषाओं में से जो जिस भाषा की बेहतर साहित्य होता है उसी साहित्य को दिया जाता है। तो इस बार दोस्तों यह दिया गया है गौरव नोंगथमैथन को, ठीक, ये पुरस्कार दिया गया है और ये मणिपुरी साहित्यकार हैं, इसको आपको ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिलीप नोंगथैम को याद रखना है आपको, सही आंसर क्या? दिलीप नोंगथैम को दिया गया दोस्तों। इन्होंने मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य लिखा था, ठीक है। मणिपुरी भाषा में किस भाषा को मिला? तो मणिपुरी भाषा में इन्होंने बाल साहित्य लिखा था, इस बाल साहित्य के लिए इन्हें मिला है दिलीप नोंगथैम को यह पुरस्कार। चलिए, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कपास दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में, 2019 से ही यह लगातार मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया था 2019 से मनाए जाने के लिए। विश्व कपास दिवस 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 9 अक्टूबर, इसका आंसर सही आपको हो जाएगा 7 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि कपास उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश साथियों हो जाएगा आपका चीन, ठीक है, चीन। और वहीं दूसरे नंबर पे भारत है। तो कपास उत्पादन में दोनों देश टॉप पे हैं और यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न है कि कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य टॉप पे? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आप कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है प्रश्न का उत्तर कि कौन सा राज्य भारत का टॉप पे है। हाल ही में किसने विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना? अच्छा, विरासत स्मारक को बढ़ावा देने हेतु उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बनाई? नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जिसकी स्थापना, देखिए ASI की स्थापना दोस्तों 1861 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों नया प्रोग्राम शुरू कर दिया है कि इसके अंदर विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहारों की दुकानें भी स्थापित करेगा। तो यह भी बात आपको क्लियर याद रखनी होगी, है ना। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है? तो इसका आंसर दोस्तों रूसी होगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का बढ़ना
हमास द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड व्यापक हिंसा फैलाता है। यह देखिएगा करंट न्यूज में बना हुआ मुद्दा है, क्या इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का बढ़ना हमास द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने दोस्तों एक ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसके तहत अब देखेंगे कि इजराइल के ऊपर लगभग बहुत सारे रॉकेट बहुत तेजी के साथ बरसाए हैं, उसके उसके साथियों साथ ही साथ आपको यह भी दिखेगा कि इजराइल ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की है इनके ऊपर और एक युद्ध का ऐलान कर दिया। तो इजराइल ने भी जो युद्ध का ऐलान किया इनके साथ उसमें अपने इस ऑपरेशन या युद्ध का क्या नाम दिया है हम लोग उसके बारे में, तो आयरन शॉर्ट्स नाम दिया है इजराइल द्वारा, जो नाम दिया गया उसको भी आपको याद रखना है, आयरन आयरन शॉर्ट्स शॉर्ट्स ये भी आपको याद रखना है आयरन शॉर्ट्स को, कि आयरन शॉर्ट्स नाम किसने दिया है अपने युद्ध का, तो ये दिया है इजराइल ने फलिस्तीनी संघर्ष फलिस्तीन यानी हमास द्वारा जो नाम दिया गया अल अक्सा फ्लड है इसको याद रखना। आइए इसकी स्थिति को देख लेते हैं। ये देखिए भूमध्य सागर वाला एरिया है, ठीक है, विश्व मैप में आप देखेंगे तो देख लीजिएगा ये भूमध्य सागर वाला एरिया मेडिटेरेनियन सी है, ये है आपकी गाजा स्ट्रिप, ठीक, ये गाजा स्ट्रिप है और इस गाजा स्ट्रिप और ये इजराइल है, ठीक है। तो यहाँ हमास आतंकवादी संगठन कहा जाता है, हमास आतंकवादी संगठन ये यहाँ गाजा पट्टी पे अपना कब्जा जमाया, इस पे शासन करता है और ये यहाँ से साथियों हमला करता है। हाल ही में 5000 राकेटों को ये दागा है 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर से इजराइल ने भी युद्ध आयरन शॉर्ट्स के नाम से शुरू कर दिया है और इसको अब नेस्तनाबूद कर देगा, ठीक, अब सेवा समाप्त कर देगा इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरीके से इजराइल को इजरायली सेना को एक्टिव कर दिया, हालांकि इसमें बहुत जान माल की हानि हो रही है लेकिन इजराइल पे अटैक हुआ अचानक तो इजराइल उसका अच्छे से अपना बदला लेगा। यूरोपीय संघ ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी दी है, ये भी एक न्यूज आपके सामने है। त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया, ठीक, त्रिपुरा जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया। तो उसके पहले तीन राज्य कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, उत्तराखंड है, इसमें यूके लिख लीजिए उत्तराखंड है, उसके बाद यूपी है, ठीक है, उसके बाद साथियों इसमें एक राज्य और है हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आपको त्रिपुरा मिल जाएगा। तो ये आपको चार राज्य इसमें दिखेंगे, ठीक, तो कौन कौन से राज्य मैंने आपको बताया, त्रिपुरा हो गया एक, एक यूके हो गया, एक यूपी हो गया, एक आपका अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मैं हिमाचल बोला था, अरुणाचल प्रदेश यह है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये त्रिपुरा ई कैबिनेट का मतलब यह है कि दोस्तों पेपर वर्क नहीं होगा, सबके पास एक टैब दे दिया जाएगा, जैसे आपने देखा होगा स्पीच देते समय हाथ में एक पेपर लेके आते हैं और उसमें देख देख के अपने जो भी बोलनी होती है बोलते रहते हैं बताते रहते हैं, लेकिन अब पूरा काम ई टैब टैब रखा होगा, पूरे ई टैब से होगा, ठीक है, पेपर वर्क नहीं होगा, तो इसीलिए इसको ई कैबिनेट कहा जाता है। तो ई कैबिनेट त्रिपुरा ने हाल ही में शुरू किया है। राजस्थान में 3 नए जिले बनेंगे, सीएम अशोक गहलोत ने यह बात कही है। तो राजस्थान में अब कुल कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों, अब कुल 53 जिले हो जाएंगे, ठीक है, इसके पहले अगस्त में आप देखेंगे तो अगस्त में 17 जिले और नए बनाए गए थे यही राजस्थान में ही, इसी साल अगस्त में 17 नए जिले बनाए गए थे ना मेरे प्यारे साथियों, 17 और जिले यही बनाए गए थे, यह भी याद रखना आपको। नीति आयोग ने गोवा में महिला नेतृत्व वाले विकास पर पहली राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है। तो पहली महिला विकास का राज्य कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया नीति आयोग ने, नीति आयोग तो महिला नेतृत्व वाले विकास पहली राज्य कार्यशाला का आयोजन गोवा में किया है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, किसको परिवर्तित करके बनाया था दोस्तों, तो इसके पहले क्या था, योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था, किस नाम से, योजना आयोग,
योजना आयोग, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं, देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो जब जो प्रधानमंत्री होगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वही इसका अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है, अध्यक्ष हो जाता है। आर सुब्रमण्यम इसके सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। तो सीईओ की बात करेंगे आप, तो इसके जो है आर सुब्रमण्यम है, आपको नाम लिख लेना सुब्रमण्यम, इतना याद रखिए, ठीक है, सुब्रमण्यम है। और 1 जनवरी को इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून में शुरू हुई है, तो ये भी याद रखना है आपको। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कहाँ स्टार्ट हुई दोस्तों? उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है, कहाँ? आपके देहरादून में। तो आज की करंट क्लास में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर करें। सबको जय हिंद, जय भारत।